भारत से 2 लाख लोग हज यात्रा पर गए थे, जिसमें 1,40,000 हज यात्री हज कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से ट्रेवल किए, और 60,000 जो हमारे आजमीन हैं जो हज यात्री हैं वो प्राइवेट टूर से ट्रेवल किए। तो मुझे लगता है कि इस बार जो कोटा है वो प्रधानमंत्री मोदी जी के सहयोग से, उनकी कोशिशों से बढ़ने वाला है। पिछली बार हमारा भारत देश दुनिया का दूसरा देश था जो सबसे ज़्यादा हाजी भेजा, यानी कि इंडोनेशिया 2,10,000 हाजी भेजा और हमने 2 लाख हाजी भेजे। तो मुझे यकीन है कि इस बार भारत देश दुनिया का सबसे बड़ा देश होगा जो सबसे ज़्यादा हाजी भेज रहा है, एक नंबर का कंट्री बनने वाला है। अभी इस बार महाराष्ट्र से 15,296 लोग हज यात्रा पर गए थे, और मुझे यकीन है कि इस बार 20,000 का वो फिगर क्रॉस होने वाला है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सभी जो हमारे मुस्लिम भाई हैं जो हज यात्रा करना चाहते हैं उनसे निवेदन करूंगा, उनको गुजारिश करूंगा कि अपने सारे फॉर्म भर लें। इस फॉर्म को भरने के बाद हम उनको उनका कवर नंबर भेजेंगे, जनवरी महीने में उसका लकी ड्रॉ निकलेगा, क्योंकि हमारे पास 15,296 की जो सीटें हैं उससे ज़्यादा फॉर्म आने वाले हैं। पिछली बार भी 35,000 फॉर्म आए थे, और मुझे लगता है कि इस बार 50,000 से ज़्यादा आवेदन हमको प्राप्त होने वाले हैं। अभी 10 नवंबर तक फॉर्म भरने का डेट है, और आज ही हमने जो हज कमेटी ऑफ महाराष्ट्र से आंकड़ा लिया है, लगभग 20,000 के ऊपर लोगों ने आवेदन कर दिया है। तो उस आवेदन में जाहिर सी बात है कि हमको लकी ड्रॉ निकालना पड़ेगा, सबको तो हम भेज नहीं पाएंगे। तो जिसका नंबर लगता है दिसंबर महीने में लकी ड्रॉ होने वाला है उनको हम लोग बुलाएंगे, उनका पहला इंस्टॉलमेंट हम लेंगे जो 81,000 का है, उसके बाद उनका प्रशिक्षण होगा, उनके सारे डॉक्यूमेंट जमा किए जाएंगे और उनको फिर हम हज पर भेजने का काम करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि जो हमारे हज यात्री हज पर जाते हैं उनको जो दिक्कतें होती हैं, ख़ास तौर से मेरे पास जो शिकायतें आ रही हैं कि उनको वहाँ उनके पसंद की बिल्डिंगें नहीं मिल पाती हैं, और ख़ास तौर से जो शौचालय होते हैं वो उनके हिसाब के नहीं होते हैं। हमारे हिंदुस्तान से लोग हज पर जाते हैं, हमारे महाराष्ट्र से जो लोग हज पर जाते हैं उनको इंडियन सीट की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन हम वहाँ पर कमोड उनको देते हैं, इससे काफ़ी दिक्कत जाती है। उसके बारे में हमने प्रधानमंत्री कार्यालय से निवेदन किया है, हमारे जो अल्पसंख्यक मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी जी उनसे निवेदन किया है। हमारी कोशिश ये है कि जैसे यहाँ पर आप देखेंगे नागपुर में हजाओं से, औरंगाबाद में हजाओं से, मुंबई में हजाओं से वहाँ पर हाजी जो आते हैं हज पर वो रुकते हैं इत्मीनान से, ऐसे हज हाउस मक्के में बनाए जाएँ सरकार की व्यवस्था से। जैसा कि आप जानते होंगे कि निज़ाम हुकूमत में जब निज़ाम की गवर्नमेंट थी तेलंगाना हैदराबाद के, तो उन्होंने अपने बाशिंदों के लिए, अपने शहरवासियों के लिए, स्टेट वासियों के लिए एक भक्ति निवास रुबाद बनाया हुआ था, उसमें जो आज भी रुकते हैं लोग उनका हज 50 से 60,000 रुपये सस्ता हो जाता है। जो भोपाल के नवाब थे उन्होंने वहाँ पर जो रुबाद बनाए थे, भक्ति निवास बनाए थे, जो भोपाल के लोग वहाँ जाकर रुकते हैं उनका हज 50 से 60,000 सस्ता हो जाता है। तो ऐसे अगर हम यहाँ भी भक्ति निवास बनाते हैं भारत सरकार की तरफ से तो हज सस्ता हो जाएगा, हाजी जो हमारे जाते हैं हमारे भारत से उनको रहने की अच्छी व्यवस्था हो जाएगी, जो हमारी बहनें साथ में हज पर जाती हैं उनको पर्दे का इंतजाम हो जाएगा। इसलिए हम कोशिशें कर रहे हैं सरकार से, इसका हम निवेदन कर रहे हैं, सरकार भी इस पर विचार करिए कि एक भक्ति निवास वहाँ पर बनाकर अपने यहाँ से जाने वाले हज यात्रियों को उसमें रुकाने की व्यवस्था की जाए। अभी मैंने देखा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास खुद ही पैसे हैं, लगभग 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए हैं हज कमेटी ऑफ इंडिया के पास जो FD में है, और उस पर हम ब्याज ले रहे हैं, लगभग 73 से 74 करोड़ रुपया हर साल ब्याज मिल रहा है, जबकि इस्लाम में ब्याज हराम है, ब्याज का पैसा हज में बिल्कुल इस्तेमाल नहीं हो सकता। फिर भी जो पिछली सरकार थी उनकी लापरवाही थी, इस पर कोई काम नहीं किया गया। हमने सरकार से निवेदन किया है कि इस पैसे को भक्ति निवास बनाने में इस्तेमाल किया जाए, इस पैसे को जो मुस्लिम समाज के बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो खास तौर से बेटियां पढ़ाई करती हैं, जो बीमार हैं इलाज के लिए उनके काम में लाया जाए, समाज के उत्थान के लिए उस पैसे का इस्तेमाल किया जाए, ये सब काम हमने हाथ में लिया है, इसको कर रहे हैं। और ख़ास तौर से अभी आप देखेंगे तो कमेटी ऑफ इंडिया की तरफ से हज पर भेजने काम किया जा रहा है। अभी हज के साथ साथ लोग उम्रे पर भी जाते हैं, जिसको दर्शन
करने के लिए जाते हैं लोग, हर साल जाते हैं। लगभग भारत से 5 से 6 लाख लोग हर साल दर्शन के लिए मक्के और मदीने जाते हैं, तो उनको भी हज कमेटी के माध्यम से भेजा जाए, क्योंकि ये प्राइवेट टूर्स पे डिपेंड होते हैं। प्राइवेट टूर्स वाले कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं, जो सस्ते में उम्रे की लालच देकर लोगों का पैसा लेकर भाग जाते हैं, लोग वहाँ छोड़कर जाते हैं। ऐसे कई शिकायतें भी हमारे पास आई हैं। अगर हज कमेटी ऑफ इंडिया के माध्यम से हम लोग उम्रे भेजने का काम करेंगे, तो मुझे यकीन है कि उनका उम्रा सस्ता भी होगा और सेफ भी होगा, उसमें भी हम काम करेंगे। वैसे कई सारे हमने प्रोजेक्ट हाथ में लिए हुए, जिसको हम लोग जो हमारे हज यात्री यहाँ से हज यात्रा पर जाते हैं, जो उम्रे पर जाते हैं, उनकी अच्छी व्यवस्था हो, उनकी सुविधा, उनकी सेफ्टी हो, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं।